हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्लास थर्ड सेकंड लेसन हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर के पार्ट कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो डिवाइड किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं बेटा, दो पार्ट्स में दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। एक तो आते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड इज अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेन पार्ट यानी कि जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं हो सकता, जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर कंप्लीट ही नहीं होता, तो वो चार पार्ट कौन कौन से हैं। देन व्हाट इज द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकंड इज कीबोर्ड, थर्ड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन्स सीपीयू, एंड फोर्थ वन इज माउस। ये चार पार्ट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में मेन पार्ट्स होते हैं, इनके बगैर हमारा कंप्यूटर कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ये मॉनिटर होता है आपका, कीबोर्ड होता है, माउस और सीपीयू आपको जनरली आपके घर पे या स्कूल में मिल जाएंगे। ये तो पहले पार्ट, अगर हम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा मॉनिटर आता है। तो मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। मॉनिटर किस तरह की दिखाई देता है, एक टेलीविजन के तरीके से हमें दिखाई देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, तो किसके नाम से जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडियो के बारे में ही जाना जाता है। की तरह ये जाना जाता है, तो वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो गई। वट एवर वी टाइप थ्रू द कीबोर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर में जो भी हम कीबोर्ड की सहायता से टाइप करेंगे वो हमें मॉनिटर में दिखाई देने वाला है। कीबोर्ड की सहायता से जो भी हम टाइप करते हैं, वी कैन ऑल्सो वॉच मूवीज एंड प्ले गेम्स ऑन मॉनिटर। तो हम मॉनिटर के अंदर क्या कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्ले गेम्स यानी गेम भी खेल सकते हैं। अब बेटा जो मॉनिटर होता है वो दो तरीके का होता है। तो एक तो होता है ये एलईडी टाइप का मॉनिटर होता है, एलईडी एलसीडी टाइप का मॉनिटर होता है। एक होता है सीआरटी मॉनिटर, यानी कि जो पहले पुराने टाइप के आते थे, बिल्कुल मोटे से ऐसे पुराने टीवी की तरह, किस तरीके से उसको बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। तो जो मोटे वाला टीवी मॉनिटर होता है उसको सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं, और जो पतले वाला होता है इसको हम बोलते हैं एलसीडी या एलईडी मॉनिटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहता है वट एवर वी ड्रॉ थ्रू द माउस कैन बी सीन ऑन अ मॉनिटर। तो हम जो भी माउस की सहायता से कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं वो सारा का सारा हमें कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर के अंदर हमें दिखाई देगा। इट हेल्प्स अस टू सी व्हाट वी हैव डन ऑन द कंप्यूटर। तो ये मॉनिटर जो है वो हमारी सहायता करता है, जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, काम करते हैं, उसका जो आउटपुट है हमें कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देगा। तो मॉनिटर्स कैन बी डिफरेंट साइज, मॉनिटर के अलग अलग साइज में या एंड शेप्स, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप्स में आते हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, दो तरह के मॉनिटर होते हैं, सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर। तो बेटा ये एलसीडी मॉनिटर हो गया, पिछले हमने बताया था मोटर सा, वो कौन सा होता है, सीआरटी मॉनिटर होता है। ये एलसीडी मॉनिटर है और मोटे वाला क्या होता है, सीआरटी मॉनिटर होता है। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या करता है, इज यूज्ड फॉर प्लेइंग, सॉरी यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो कीबोर्ड किस लिए यूज होता है भाई, सबसे पहला काम इसका होता है टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग टेक्स्ट के लिए भाई, कोई भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है, नंबर टाइप करने हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड की सहायता लेंगे। इट हैज मेनी बटन्स ऑन इट, भाई इसके ऊपर बहुत सारे बटन, आपका कीबोर्ड है आपने देखा होगा कि इसमें क्या बहुत सारे बटन्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट कीज हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है भाई, अलग अलग कीज हैं तो अलग अलग कीज का अलग अलग काम होगा। ठीक है, ये तो यानी कि हर एक की का एक जैसा काम होता है, तो जितने भी कीबोर्ड पर कीज होती हैं सभी का अलग अलग अपना अपना काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है गुड टू नो। तो कहता है सर क्रिस्टोफर लेथमसॉल्स डेवलप द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को किसने बनाया था, ये उनका नाम दे रखा है जिसने कीबोर्ड को बनाया था। ठीक है, तो ये क्या नाम था, सर क्रिस्टोफर लेथमसॉल्स, ये इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है बेटा हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस एंड स्टोर्स डेटा। भी क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है, यानी कि किसी तरह की कोई गणना करनी है हमने, कोई सॉल्यूशन निकालना है किसी नंबर्स का, या कोई और काम करना है, कंपैरिजंस करने हैं हमने, या डेटा को स्टोर करना है, तो ये हमारा काम आता है। इट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसको, ये सीपीयू होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं।
वट एवर वी टाइप थ्रू कीबोर्ड और डू विद माउस, जो भी हम कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हैं और माउस की सहायता से काम करते हैं, तो वो जो भी काम होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, सबसे पहले सीपीयू में जाएगा। और सीपीयू में क्या होगा, सीपीयू उसका प्रोसेस करेगा एंड सेंड द रिजल्ट ऑन मॉनिटर, और रिजल्ट को कहाँ भेजेगा, मॉनिटर में भेजेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, गुड टू नो माइक्रो प्रोसेसर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल, इंटेल की जो कंपनी है उसने क्या बनाया है, माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है उसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है माउस का, ये हमारा माउस होता है। ठीक है, माउस इज नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इट इज यूज टू पॉइंट आउट द आइटम्स प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको ये क्या करता है, सिलेक्ट करने के लिए या उनको पॉइंट आउट करने के लिए जो भी उसके अंदर आइटम्स हैं उनको काम आता है। इट हैज टू और थ्री बटन्स ऑन टॉप एंड अ सेंसर एट द बॉटम, तो भैया माउस जो होता है उसके दो या तीन बटन ऊपर होते हैं, यानी कि एक तो लेफ्ट बटन होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और एक बीच वाला बटन होता है, इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है, अगर हम माउस को उठा के देखेंगे तो बीच में एक सेंसर होता है जिसमें से लाइट निकलती है बाहर। ठीक है, वो सेंसर क्या करता है, उस सेंसर से ही आप उसको मूव करके यानी कि माउस की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं सेंसर की वजह से ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट हैज अ लॉन्ग टेल जिसको हम वायर कहते हैं। भाई माउस जैसे माउस की पूंछ होती है ना, रियल माउस की, उस तरीके से माउस की तरह दिखाई देता है, और इसकी भी एक पूंछ होती है जिसको हम वायर कहते हैं, अटैच टू द सीपीयू, जो सीपीयू से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल, भाई ऐसे माउस भी, यानी कि कहते हैं पूंछ कटा चूहा, तो पूंछ कटा चूहा भी यहां पर मिलता है, तो क्या होता है, वायरलेस बोलते हैं, देखिए जिसकी वायर नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, वायरलेस। ठीक है बेटा, अब एक टिप्स दे रखी है इसने, क्या दे रखी है, माउस शुड ऑलवेज बी कैप्ट ऑन माउस पैड टू कीप इट क्लीन, यदि आप इसको साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो एक माउस पैड होती है उस माउस पैड के ऊपर इसको रखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है गुड टू नो में एन ऑप्टिकल माउस डिटेक्ट माउस मूवमेंट, जो ऑप्टिकल माउस यानी कि सामान्यतः हमारे घरों में मिलता है या हमारे स्कूल में या आसपास कहीं मिलता है, तो वो क्या है, ऑप्टिकल माउस होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है माउस की मूवमेंट्स को, यानी माउस किस साइड में किस तरीके से मूव हो रहा है, यूजिंग एन ऑप्टिकल सेंसर, जो ऑप्टिकल सेंसर इसके अंदर होता है, इंस्टेड ऑफ अ बॉल। ठीक है, किसके बावजूद बॉल के, ठीक है पहले की अपेक्षा है, सॉरी इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की अपेक्षा, तो किसकी अपेक्षा, बॉल की अपेक्षा। जो पहले माउस आते थे मैकेनिकल माउस, उसमें नीचे एक बॉल होती थी जो कि इसकी माउस की मूवमेंट को कंट्रोल करती थी, बट अब उसकी जगह पर क्या आ गया है, ऑप्टिकल सेंसर आ गया है जो कि क्या करता है, माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है इनसाइड द माउस। अदर पार्ट्स, ये तो थे हमारे मेन पार्ट जो हमने पढ़ लिए है, अब आते हैं अदर पार्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। तो अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स क्या होते हैं बेटा, जिससे हम कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, कोई वॉल्यूम वगैरह रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉर्डेड कोई सॉन्ग सुनते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द स्पीकर हेल्प अस टू लिसन रिकॉर्डेड सॉन्ग्स स्पीच वॉइस एंड साउंड्स, तो ये चीजें हम सुन सकते हैं। बाय यूजिंग हेडफोन्स अ पर्सन कैन हियर द साउंड जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, जो हेडफोन ये तो हमारे स्पीकर्स हो गए भाई, जो एक जना जो चला रहा है तो सुनेगा ही सुनेगा, साथ में और कोई भी है आसपास में तो उनको भी सुनाई देगा, बट ये हेडफोन होते हैं जो कि केवल हमें सुनाई देंगे। ठीक है, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट आता है प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द वर्क डन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, अभी जो भी काम कंप्यूटर के अंदर किया गया है उसको प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, प्रिंटर का यूज किया जाता है, ऑन टू द सीट ऑफ पेपर, पेपर की सीट पर प्रिंट करने के लिए। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन द मार्केट, भी अलग अलग तरह के प्रिंटर जो है हमारे को मार्केट में मिलते हैं, जैसे कुछ प्रिंटर्स जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, यानी केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा, और कुछ होते हैं ओनली वाइल सम अदर कैन प्रिंट इन कलर, भी कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं और कुछ कलरफुल प्रिंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कैनर, तो स्कैनर क्या करता है, जो भी चीज आपने कंप्यूटर में लेकर के जाने हैं तो उसको ये स्कैन कर लेता है। स्कैनर इज अ डिवाइस दैट रीड्स वर्ड्स पिक्चर्स और नंबर्स प्रिंटेड ऑन ए सीट ऑफ पेपर एंड चेंजेस देम इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, तो क्या कहता है, अभी स्कैनर जो करता है वर्ड्स की पहचान कर लेता है, पिक्चर्स की पहचान करता है, या जो नंबर प्रिंटेड है उनको सीट के ऊपर। ठीक है, तो क्या करता है, इनको क्या कर लेता है,
रीड करता है एंड चेंज देम इनटू द फॉर्म, और उनको ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं यूपीएस। तो यूपीएस क्या कहता है, यूपीएस की स्टैंड फॉर होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या फुल फॉर्म होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। इट हैज अ बैटरी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसके अंदर ये यूपीएस होता है और इसके अंदर क्या होती है, एक पावर होती है, बैटरी होती है, जो कि बैटरी को क्या, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इट कीप द कंप्यूटर सिस्टम ऑन फॉर ए फ्यू मिनट इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। ये क्या करता है भाई, कंप्यूटर को क्या करता है, कुछ देर के लिए चालू रखता है जब लाइट चली जाती है। जैसे बाई चांस कई बार अचानक लाइट चली गई, तो उस टाइम पे भाई कंप्यूटर में हमको इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, तो अगर हमारे पास यूपीएस नहीं है तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद हो गया तो क्या होगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे थे वो सारा सारा खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, हमें दोबारा तैयार करना पड़ेगा, उसमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि हमारे पास यूपीएस है तो हम उसमें क्या करते हैं, यूपीएस कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर हमारा जब भी लाइट चली जाएगी कुछ मिनट के लिए कंप्यूटर को ऑन रखता है, ताकि हम जो भी हमने उसने बनाया है वो सारे सारे को सेव कर सके समय रहते। दैट वी कैन सेव द वर्क विद वर्क दैट वी वर डूइंग, जो हमने काम किया था उसको सेव कर सके। नेक्स्ट आता है बेटा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। भाई अगर कंप्यूटर में आपको कोई म्यूजिक वगैरह साउंड आदि रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए, हमें माइक्रोफोन चाहिए। इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ माइक और मिक ए माइक। ठीक है, तो इसको हम क्या कई बार माइक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। बेटा जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एक माउस की तरीके से काम करता है, बट साथ में और क्या काम करता है, गेम खेलने का, जो इंपॉर्टेंट पर्पज जो है इसका क्या है, गेम खेलने के लिए यूज होता है। बहुत सारे बटन होते हैं इसके ऊपर, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर है, ये सारे बटन इसके ऊपर होते हैं। तो जॉयस्टिक इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर। इट इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के काम आता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, एक्टिविटीज आती हैं, ये एक्टिविटीज आपको भरनी है और भर करके मेरे पास चेक करने के लिए भेजनी है। ठीक है, फुल इसका पूरा नाम लिखना है, जैसे ये डिवाइस दे रखा है, ये डिवाइस दे रखे हैं, इन डिवाइस का आपको यहाँ पर नाम फिल करना है फिलअप्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है मॉडम। मॉडम क्या होता है, इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट। मॉडम ये बेटा मॉडम होता है, जो कि नेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। वेबकैम, तो वेबकैम और वेबकैम कैमरा क्या होता है बेटा, तो इज यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड वीडियो इमेजेस फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टोर देम इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर कनेक्ट करके हम इसकी सहायता से, ये वेबकैम होता है, इसकी सहायता से अपने कंप्यूटर में फोटोज वगैरह ले लेते हैं। सीडी और डीवीडी ये स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो सीडी और डीवीडी इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज राउंड इन शेप, जो शेप में कैसी होती है, राउंड होती है, यानी कि इसके अंदर डेटा स्टोर के लिए ये काम की जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या करती है, ये भी स्टोरेज का काम करती है। इज अ स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन देन अ सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी की अपेक्षा अगर आपको ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, पेन ड्राइव का यूज करेंगे। ये भी अलग अलग साइज में आती है। ठीक है, अब क्या है, कंप्यूटर एटिकेट से क्या कहता है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड मेन स्विच, इट मे बी डेंजरस। क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं, जो कंप्यूटर से मेन स्विच में लगी हुई होती हैं, उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं छेड़ना चाहिए, वो क्या होती है, डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, जो हमारे को हानि पहुंचा सकती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमने आपका कंप्लीट करा दिया है, इसको आपने पढ़ना है, समझना है, जो चीज नहीं आती आप उसको पूछ सकती हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद।